हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं वो है मनोज मुंतशीर्स लाइज अबाउट आदि पुरुष आर डम। चलो देखें। तो उनकी जो एक तो जो उन्होंने बोला था, इंटरव्यू की थी, वो तो हमने देखी थी, जो मेरे ख्याल से गजब रिएक्शंस में है, तो आप वो देखना। अब इसमें देखते हैं। और हमने भी कहा था कि वो ही इज़ नॉट, जो बोल रहे हैं बिल्कुल भी उनको अपनी गलती महसूस नहीं हो रही, शर्मिंदगी कोई नहीं, बड़े धड़के से कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि ये तो सब मैंने जान बूझ के ऐसे बनाई है। आपने गलती कर दी है और गलती का जो है परिणाम देखना चाहिए सबको, उनको दिखना चाहिए परिणाम इसका, अर्थात लोगों को नहीं देखनी चाहिए। आपने भगवान, ये आप मूवी नहीं समझ सकते क्योंकि भगवान जी के ऊपर है। वो भगवान जी जिनके हम रोज जाके मंदिर में पूजा माथा टेकते हैं, उनके ऊपर मतलब आपने उनकी इंसल्ट कर दी है। मैं बहुत स्ट्रांगली ये वर्ड्स यूज करूंगी क्योंकि हम लाइटली और ये आप जानबूझ के कर रहे थे और आप ये सब जानबूझ के कर रहे थे लोगों के बोलने के बावजूद। जब उन्होंने टीजर देखा उसके बावजूद आपने ये जानबूझ के किया है, पाप है ये, पाप। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है। ये लोग इतना बौखला चुके हैं ऑडियंस की बैकलैश के बाद कि इनको आपस में ही ये बात नहीं पता कि किसने क्या झूठ बोला है मीडिया में और किसका झूठ कैसे कवर अप करना है। इस इंटरव्यू में मनोज साहब ये साफ साफ बोलते हैं कि आदि पुरुष को रामायण मत बोलो, हमने रामायण नहीं बनाई है। फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर ओम राउत ये बोलते हैं लाखों लोगों के सामने एक पीआर स्टंट में नकली का रोना रोके कि हर थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए खाली छोड़ दी जाए, वैसे रामायण नहीं बनाई। हनुमान जी आएंगे और क्या देखेंगे, रामायण। प्लीज कीप वन सीट फॉर अवर हनुमान जी, ही विल कम टू सी रामायण, ही विल कम टू सी रामायण। नहीं बनाई है अब तो सर, बोल दे। कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है। अच्छा, जब जो झूठ बोले जा रहे हैं अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए वो काफी ना पड़े, तो मनोज साहब के हिसाब से जो भी लोग इस फिल्म की गलतियों को या इस फिल्म को कॉल आउट कर रहे हैं, जो कि इस केस में 99% ऑफ द ऑडियंस है, उन सबको दिक्कत है थिएटर में सो कॉल्ड गूंजते जय श्री राम के नारे। मैं हूं शांत रूप और जैसे कि मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आदि पुरुष के डिटेल्ड वीडियो पे काम कर रहा हूं। इनफैक्ट हम वही वीडियो शूट कर रहे थे लेकिन बीच में पब्लिक हो जाता है, लाइव हो जाता है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू मनोज मुंतशिर साहब का। जिनको नहीं पता, मनोज मुंतशिर साहब आदि पुरुष के राइटर है, विच मेक्स हिम अ वेरी वेरी की एंड फंडामेंटल फिगर इन द मेकिंग प्रोसेस ऑफ आदि पुरुष। ये इंटरव्यू आदि पुरुष से भी ज्यादा बेवकूफाना है, ये इंटरव्यू आदि पुरुष से भी ज्यादा वाहियाती के थॉट प्रोसेस से भरा हुआ है। एंड एट द सेम टाइम मनोज मुंतशिर ने सारा का सारा ब्लेम डाल दिया है ऑडियंस पे एंड कॉल्स द ऑडियंस अ हेटर। अब इस वीडियो में मैं मनोज साहब को एक बिफिटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट और वेरी हार्ड हिटिंग रिप्लाई दूंगा, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, एक एक चीज जो उन्होंने इस इंटरव्यू में बोली है उसको उठाएंगे और उनका एक लॉजिकल आंसर देंगे, क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो इलॉजिकल है, फैलसीज हैं एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द ऑडियंस एंड इग्नोरेंट है टुवर्ड्स रामायण। ये पूरा का पूरा इंटरव्यू इतना ज्यादा मूर्खता से भरा हुआ है कि मेरे को जैसे रामायण में अलग अलग कांड थे वैसे ही इस वीडियो को बोलना पड़ रहा है, इस चैप्टर को बोलना पड़ रहा है, मनोज मूर्खता कांड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, अ बिग थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो को वायरल बनाया। ये मेड अ मिस्टेक, अब क्या करें, दिस इज नॉट मिस्टेक, गलती कर दी बंदे, नो दिस इज नॉट मिस्टेक, बट ये है कि बैंकरप्ट होना चाहिए, दबा के वहां पे हैशटैग बॉयकॉट आदि पुरुष, लोग बैंकरप्ट नहीं होने देंगे, हमारे को इस चीज को जारी रखना है ताकि ये आवाज बॉयकॉट नहीं बैन आदि पुरुष, और इस वीडियो में भी हैशटैग आदि पुरुष एक गलती को कमेंट करना मत छोड़ना। आगे बढ़ते हैं, सारे हैशटैग आदि पुरुष कुछ नहीं, एक सिंपल रखो, बैन आदि पुरुष होना चाहिए, बैन करवाओ, पब्लिक जोर से बैन कराओ। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? Yes. अगर हम करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। हाँ, तो नहीं देखनी है हिसाब से, तो आपसे 37 साल पहले आई थी रामानंद सागर साहब की रामायण और 30 साल पहले आई थी युगो सागर साहब की लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। तो क्या आपके कहने का ये मतलब है कि आज से 37 और 30 साल पहले जिस यूथ के लिए, जिस ऑडियंस के लिए वो रामायण बनी थी उनको संस्कृत आती थी,
तभी तो इतनी बड़ी हिट हुई होंगी ना तुम्हारे हिसाब से, लेकिन नहीं, ये लॉजिक बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उस टाइम भी उन दोनों रामायण में एक हेल्दी मिक्सचर यूज किया गया था, हिंदी डिग्निफाइड हिंदी आई वुड से एंड संस्कृत, ताकि तब भी लोगों को इतनी संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन हमारे एपिक्स की एक डिग्निटी है, जितने भी हिंदी मूवी बन रही थी जितनी भी वार्तालाप हुई है कैरेक्टर्स के बीच में, वो अगर संस्कृत में हुई होगी तो उसको हिंदी में कितने डिग्निफाइड तरीके से तोड़ा जा सकता है ताकि आदमी को समझ आ जाए। ये उनका विजन था उनके डायलॉग्स लिखने में, जो तुम्हारे डायलॉग्स में बिल्कुल मिसिंग है, और ये ब्लेम सा एक्सक्यूज है कि आज की जनता को समझ ही नहीं आएगी डिग्निफाइड यूज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत। बजरंगबली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंगबली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंगबली बालक समान भी है, वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, उनकी भाषा चरित्र के हिसाब से ही होगी। इस स्टेटमेंट में मनोज साहब ये बात को ओवर एम्फसाइज ओवर स्टेट करना नहीं भूल रहे कि हनुमान जी में एक बच्चे जैसा मन था, वो बहुत बलशाली थे, जो एक फैक्ट है, लेकिन बड़ी ही क्लेवरली बड़ी चतुराई से एक चीज को इस स्टेटमेंट में बोला ही नहीं गया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया मनोज साहब ने, और वो ये है कि हनुमान जी वॉज द किंग ऑफ स्कॉलर्स, सबसे बड़े पूरी सृष्टि के सबसे बड़े वैदिक स्कॉलर थे वो। इनफैक्ट आज तक एक ही स्कॉलर हुआ है जिसको 9 के 9 व्याकरण आते हैं, व्याकरण मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, और वो थे हनुमान जी। तो क्या तुम्हारे को ये लगता है कि जिस बंदे ने सन गॉड से व्याकरण सीखे वो ऐसे बात करेगा, चाहे किसी भी जनरेशन में हो, वो ये बोलेगा तेरे बाप की जलेगी, तेरे बाप का तेल था? ये क्या मूर्खता से भरी चीज है मनोज जी। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रमाणिक तौर पर उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर हिंदी में लिखो। मनोज साहब, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने प्योर संस्कृत में रामायण लिखी थी उसको एज इट इज उठा के डायलॉग्स में कन्वर्ट तो ना रामानंद सागर जी ने करा और ना ही युगो साको जी ने करा, फिर भी उनका जो प्रोडक्ट था, उनकी जो रामायण बनाई हुई थी, वो अक्रॉस द जनरेशन नियरली 40 साल हो गए हैं जो वो ट्रैवल कर रही है, हर किसी को पसंद भी आ रही है और हर किसी को समझ भी आ रही है। तो ये जो रिपेटेटिव बकवास, ये वाहियात लॉजिक दिया जा रहा है लैंग्वेज को लेके, इसको बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त है, हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। हनुमान जी भगवान नहीं है, भक्त थे श्री राम के, बिल्कुल सही बात, उनकी भक्ति के चलते हमने उनको भगवान का ओहदा दिया, बिल्कुल सही बात। तो मनोज साहब, जब आप इस पिक्चर के डायलॉग लिख रहे थे हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए, आपने क्या सोचा हनुमान जी भगवान नहीं थे? तुम्हारे लिए तो वो डायलॉग लिखते वक्त भी भगवान होने चाहिए थे ना, तुमने क्या समझा? तुम्हारे दोस्त यार हैं, तुम्हारा लंगोटिया यार है हनुमान जी? अगर तुम्हारे को यूथ को रामायण के बारे में बताना है, अपने बच्चों को राम भगवान के बारे में बताना है और सारे इवेंट्स के बारे में बताना है, तो आदि पुरुष से जितना दूर रखोगे उतना अच्छा है। मैं तुम्हारे को एक ऐप के बारे में बताता हूँ जहाँ पे संपूर्ण रामायण, सटीक रामायण अवेलेबल है, और वो तुम्हारे बच्चों के मोबाइल संपूर्ण रामायण अपने मोबाइल पे पढ़ने के साथ साथ श्री मंदिर ऐप यूज करके आप अपने फोन में ही एक मंदिर स्थापित कर सकते हैं, देश में किसी भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, किसी भी मंदिर जाने से पहले अपना स्लॉट एडवांस में बुक करा के लाइव पूजा अर्चना भी करा सकते हैं, ऑनलाइन पूजा पूजा की सामग्री श्रंख नाम प्रसाद लाइव बैठ लेते हैं साथ साथ अवेलेबल है एट योर फिंगरटिप्स। पूर्ण हिंदू साहित्य का ज्ञान, रामायण, महाभारत, पंचांग और भी बहुत सारी चीजें, जिससे खाली बड़े ही लाभ नहीं उठा सकते बल्कि यूथ भी बहुत अच्छा भगवान जी के ऊपर बना रहा हूं सब कुछ है, और गलती करके भी दिस इज नॉट मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, जान पूछ के किया गया, गलती हो गई, उनको लगा कि ऐसे चल जाएगा। सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है, राम कथा सैकड़ों तरीके से सुनाई जा सकती है, बिल्कुल सुनाई जा सकती है, सही बात है ये, और किसी ने तुम लोगों को रोका भी नहीं था अपना वर्जन बनाने के लिए रामायण का। जब तुम लोगों ने आदि पुरुष को अनाउंस किया था तुम्हारे को लैंडस्लाइड सपोर्ट मिला था, लेकिन जितनी भी तरीके से सुनाई जाए रामायण, हर जगह जो फंडामेंटल चीजें हैं जैसे डिग्निटी, सिग्निफिकेंस, कपड़ों का सिग्निफिकेंस, आभूषणों का सिग्निफिकेंस, एक एक कैरेक्टर का, एक एक जगह का, एक एक लोकेशन का, बिल्कुल इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए, महान एपिक हमेशा हर वर्णन में, हर रीटेलिंग में रामायण की इंटैक्ट रहा है, और वही तुमने कर दिया खराब। जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा। पहली बात ये कह देना बिना कुछ सोचे समझे कि आज की जनरेशन को भगवान राम के बारे में नहीं पता, इससे मूर्खता से भरी स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। और दूसरी चीज ये कि अगर आज की जनरेशन, आज का यूथ, आज का बच्चा ये फिल्म देखेगा तो उसके क्वेश्चन क्या होंगे अपने घर वालों से, क्या भगवान राम लेदर के कपड़े पहनते थे जो तुमने अपने दिखाया है, क्या उन्होंने ग्लैडिएटर वाले सैंडल पहने थे, इन्होंने लाल कपड़े क्यों पहने हैं,
उन्होंने भगवा कपड़े क्यों नहीं पहने, येलो कपड़े क्यों नहीं पहने, जितनी भी चीजों की सिग्निफिकेंस थी एक्चुअल रामायण में वो तुम्हारी लिखाई ने बिल्कुल ही नाली में डालकर फ्लश कर दी। इनफैक्ट तुम्हारा वर्जन रामायण का एक ऐसा वर्जन है जो किसी भी यूथ को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है ऑन ऑलमोस्ट इंसल्टिंग है, इनकरेक्ट नहीं इंसल्टिंग है। कोशिश होगी कोई फिल्म बने जो इतने बड़े स्केल पे, इतनी बड़ी माउंटिंग पे, ये होगा नहीं। पहली बात तो ये कि ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देना बंद करिए और अपने आप से झूठ बोलना बंद करिए कि जिस स्केल पे आपने एक प्रोडक्ट बनाया है वैसा प्रोडक्ट ना पहले कभी बना था और ना ही कभी बनेगा। आप 37 साल पहले रामानंद सागर साहब और यूगो सागो साहब दो ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हमारे दिलों में, हमारे सबकॉन्शियस में, जो अगर इम्पैक्ट की बात करी जाए तो आपकी वाहियात फिल्म से 1,00,000 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल वो है। और दूसरी बात ये कि अपने पोल्यूटेड प्रोडक्ट को, अपने डीजेनरेट फिल्म को बार बार जस्टिफाई करने के लिए आज की यूथ को उसमें पुल इन करना बंद करिए। इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं, नहीं हंस रहे हैं। डायलॉग्स को देख के जो जनता हंस रही है ना, वो इसलिए हंस रही है कि इतनी बेवकूफी करना भी पॉसिबल है रामायण के साथ। वो इसलिए नहीं हंस रही कि आपके डायलॉग्स बहुत क्रिएटिव, गुस्से में हंसते हैं, कोई गुस्से में ऐसे बैठते हैं, ये रिएक्शन है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये हंसी है वो। और जो लोग तालियां बजाने की आप बात कर रहे हो ना, वो असली जनता नहीं है, वो जो तुम लोगों ने 6 महीने का टाइम लिया था ना ये झूठ बोल के कि हम पिक्चर को इंप्रूव करेंगे, उन 6 महीनों में तुमने करोड़ों रुपया प्रोपेल किया है पीआर मशीनरी बनाने में, और अब वही कुछ दलाल रिव्यूअर्स को तुमने खरीद लिया, कुछ न्यूज़पेपर्स को खरीद लिया, और थोड़े बहुत पब्लिक रिएक्शन बनाने के लिए 20-50 लोगों को जगह जगह अलग अलग स्टेट्स में पैसे पकड़ा के पिक्चर देखने बिठा दिया और बोला कि सीटी ताली मारना, और बड़े ही क्लेवरली ताकि तुम लोगों को लगा कि कोई समझ नहीं आएगा, वही वीडियोस को देख खींच खींच के तुमने ट्विटर पे वायरल कर दिया। तो ये क्या बात है, तो कहीं नहीं देखा, हम तो नेगेटिव ही देख रहे हैं। क्रिएटिव लिबर्टी दें आप मुझे कि मैं अपने तरीके से किसी मुहावरे को सोच पाऊं। क्या आपके कहने का ये मतलब है कि आपको क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिली? मनोज साहब, नहीं मिलेगी लिबर्टी, भगवान जी से रिलेटेड कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं। झूठ बोल दिया, रामायण पे बना रहे हैं, कोई क्रिएटिव क्रिएटिविटी पिक्चर के अंदर रामायण में जिस जिस चीज की रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस थी उसको सर के बल पलट के बिल्कुल ही खराब कर दिया, लोगों के लिए, यूथ के लिए कंफ्यूजिंग बना दिया। और फिर आप में ये ऑडेसिटी है कि आप ये बोल रहे हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी इतनी दो मुझे, मनोज साहब के नाम पे कोई क्रिएटिव चल रही है और पैसा भी कमा रही है, ये आप सिर्फ और सिर्फ समझो कि हिंदुओं की पेशेंस है आपकी सो कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी की तरफ। अगर ये किसी और धर्म के बारे में हुआ होता ना, ये जो पलट फेर करे गए हैं हमारे एपिक के अंदर, तो अभी सर धड़ से अलग हो रहे होते। लंका लगा देना असभ्यता नहीं है, हो सकता है थोड़ी सी धमक हो, थोड़ी सी गुंडागर्दी हो, लेकिन असभ्यता नहीं है। इस बेवकूफाना स्टेटमेंट को सुनो और प्रोसेस करो। लंका लगा देना वाले शब्द में गुंडागर्दी है लेकिन वो असभ्य नहीं है। अरे भाई, असभ्य एक गुंडा ही होता है ना, गुंडा होने का मतलब समाज के एक असभ्य एलिमेंट हो। हर चीज, हर एक मिनट इस इंटरव्यू का मनोज साहब बेवकूफी की एक नई सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए अचानक में देख रहा हूँ। अरे मूर्ख आदमी, लोगों के दिलों में रावण के लिए स्नेह नहीं जाग रहा। अगर तमीज से, भक्ति भाव से इस पिक्चर को लिखा होता तो तुम्हारे को ये बात पता होती कि भगवान श्री राम अपने दुश्मन से भी डिग्निटी से बात करते थे, और वही डिग्निटी लोग तुम्हारे डायलॉग राइटिंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे जो उनको नहीं मिली। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कितने क्लेवरली मनोज साहब व्हाइट वॉश करके हर चीज को, हम चाहते अपने बच्चों को कि कैसे डिग्निटी रखनी है वो सिखाएं इसको दिखाकर। गलत है ये, नहीं लंका तेरे बाप की, स्नेह जान के बाप की कैसे बोल रहा है, मैं जानबूझकर कर रहा हूं कि तेरे बाप की ना बोलूं क्योंकि रावण हर्ट क्वाइट, यू आर इंसल्टिंग आवर पेरेंट्स, मैं करना चाहता हूं रावण को। क्या ये आदमी इससे बेवकूफाना बात कर सकता है? पूरी की पूरी रामायण में किसी भी कांड में श्री राम ने कभी भी अपने शत्रु रावण का अपमान नहीं करा, उससे अपमानजनक तरीके से गाली गलौज या तू तड़ाके से बात नहीं करी किसी भी कांड में। इनफैक्ट जब श्री राम रावण का वध करते हैं तो जब मरते हुए जो उनके बीच की वार्तालाप है, जो बात होती है, वहां पे भी श्री राम बीइंग श्री राम वो वहां पे भी डिग्निटी मेंटेन करके तो रखते हैं और अपमान नहीं करते। इनफैक्ट उसको रिस्पेक्ट पे करते हैं। श्री राम के अब यहां से एबीसी भी नहीं पता, इस धरती पे खत्म हो चुका है। तो भाई तू कौन होता है रावण का अपमान करना, या तू कौन होता है किसी को बताना कि रावण का अपमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? महाराज जी हमें बताएंगे रामायण। बीइंग अ राइटर इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ ही तुम्हारा है। क्योंकि अगर कोई गधा भी कोई पिक्चर देखेगा ना, तो अगर पाठन रामायण की बात आए तो तुमने कुछ पढ़ा नहीं ऐसा लगता है, अगर वाचन रामायण की बात आए तो तुमने कुछ सुना नहीं ऐसा लगता है। इनफैक्ट अगर तुम इस बात को लेकर बड़ा प्राउड हो ना कि मैंने तो यहां से सुनी, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, तो ये प्रूव करता है कि तुम एक बड़े ही तुच्छ, बड़े ही बेकार रिसर्चर हो। तुम अपने प्रोडक्ट में दिल लगा के रिसर्च करते नहीं है। एक जवान जी से रिलेटेड था, 10 साल लगाए थे
6 वर्जन पढ़ी हैं उसने रामायण की, और तुम ये स्टेटमेंट देके बड़े ही गंदा सा हंसी सी मुंह बना के कि बहुत बढ़िया काम करा है। इंटरव्यू शुरू होते ही भाई साहब ये बोल देते हैं कि हम ना हेविली इंस्पायर्ड हैं रामायण से, लेकिन हमने रामायण नहीं बनाई है। एंड देन डीप इन टू द इंटरव्यू हर बात पे रामायण से लेके तुलसीदास से लेके कोई भी चैप्टर हो रामायण में, कोई भी कांड हो, असुर हो, भगवान हो, देवता हो, हर चीज को बार 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 कोट करे जा रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, जब तुम खुद ही कह रहे हो कि भैया हमने रामायण बनाई नाम ही नहीं रखना चाहिए रामचंद्र जी का नाम ही, तो जो तुमने बनाया उसका सोर्स मटेरियल कोट करो ना, और वो सोर्स मटेरियल है रामायण। तो भैया वो तो हो नहीं सकता कि तुम रामायण को कोट ना करो, तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो तुमने रामायण नहीं बनाई। तुम अपने बेवकूफी के मल्टीवर्स में फंस चुके हो मनोज जी। अफवाहों का शिकार ना बने, अफवाहें जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो नहीं फैला रहे, वो बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। र्यूमर्स और अफवाहें तुम्हारी पीआर टीम फैला रही है। कभी किसी थिएटर में बंदर को बिठा देते हैं और नीचे कैप्शन लिख के चलवा देते हैं हर मीम पेज पे कि हनुमान जी आ गए, कभी कहीं पर दो लोगों को लड़वा देते हैं जो इन्हीं के पेड़ पे आते हैं, लड़वा देते हैं और ये बोलते हैं कि भैया इस बंदे ने बोला कि आदिपुरुष अच्छी नहीं थी तो लोगों ने इसको पीट दिया। ये कर रही है तुम्हारी पीआर टीम। वेरी ऑनेस्टली सेइंग गाइस, थ्रू आउट दिस 16-17 मिनट लॉन्ग इंटरव्यू मनोज जी ने अपनी गलती मानने के बजाय हर चीज को बड़े ही लोगों की गलती बड़े ही इग्नोरेंट तरीके से जस्टिफाई आफ्टर जस्टिफिकेशन दी है। ब्लेम कर दिया उन लोगों को जो इनको कॉल आउट कर रहे हैं इनकी बेवकूफियों के लिए, और लोगों को ऑडियंस को बोल दिया कि तुम लोग एजुकेटेड हो। मुझे तो एक बात नहीं समझ आ रही, मैं अभी तक एक आदमी से नहीं मिला, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सब भी किसी से नहीं मिलोगे जिसने फूटे मुंह ये बात बोल दी हो कि आदिपुरुष एक बहुत बढ़िया पिक्चर है, टीजर से बोल रहा है बहुत बढ़िया काम किया। पूरे इंटरव्यू में एक बड़ी ही इरिटेटिंग सी कामनेस है चेहरे पे, एक बड़ी ही अनोइंग सी हंसी है कि जैसे देखो भाई मैं तो ये झूठ बोल रहा हूँ, कवर अप कर रहा हूँ, लेकिन मैं मीठे मीठे बोल पॉइजन दे रहा हूँ और तुम्हें पता भी नहीं लग रहा। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, साथ ही साथ हैशटैग भी डालते जाना। लास्ट वीडियो को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं, 7.5-8 लाख व्यूज हैं उस पे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए, इसको भी उतना ही प्यार दीजिए। और क्या सोचते हैं आप इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए डिटेल वीडियो में वापस जा रहा हूं काम करने के लिए। जय श्री राम। तो देख लो मैंने आपको कहा था ना, जिस तरह से स्माइल करके बोल रहे हैं, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने ये क्या कर दिया। अरे आपने पाप किया है भाई, इससे और मैं क्या वर्ड्स बोलूं। भगवान जी को तुम आप बनाने की उनकी स्टोरी बनानी थी, क्या बना दी, इतना इंसल्ट करा और उसके बाद बोलते हो कि भैया हमने जो बनाया बिल्कुल ठीक बनाया, लोगों के हिसाब से बनाया। तुमने भगवान जी की तो इंसल्ट की, तुम लोगों की हर एक जो देख इस मूवी के इससे दिल से जुड़ा हुआ था कि हम देखना चाहते, तुमने उन सब की इंसल्ट कर दी। ये कहते हैं कि बाकी सारी दुनिया जो है वो तो है बेवकूफ़ जिनको रामायण का कुछ पता नहीं, हम पूरे ज्ञानी, हमको पता है, हमने बिल्कुल ठीक रामायण। देखिए इसके बाद भी लोगों को इमीडिएटली स्टॉप कर देनी चाहिए मूवी, कौन जा रहा है थिएटर, और एक सिग्नल एक मैसेज देना चाहिए। बातें ठीक है आपने बड़ी, हर कोई देख के आ जाएगा बोलेगा बुरी है, मैं नहीं देख के जाना चाहिए, व्हाट इज द यूज, हर कोई देख के बोलने वाला है बुरी है, तो देख रहे हो भाई हम नहीं जा रहे। मैसेज दो ना, अपने कर्मा से मैसेज दो कि नहीं हम नहीं देख रहे, बिकॉज अभी तक रिव्यू जिसके भी आए हैं मैसिवली नेगेटिव है, वो आपके या जो लोग बोल रहे हैं वो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही मूवी देखने लायक नहीं है, इसलिए पीपल शुड नॉट गो। अगर आप जाके इस मूवी को देख रहे हो आप अपने भगवान की इंसल्ट कर रहे हो, इससे बताओ इससे मैं और कितना मैं मतलब वो बोल रही हूँ तीखी बात। जितने भी लोग हैं बोलते हैं मैं देख के आऊँ मुझे पसंद नहीं, अरे भैया मत देख के आओ, अपने भगवान की श्री राम की इंसल्ट कर रहे हो इस मूवी को देख के। और ट्विटर में डालो सब डालो बैन आदिपुरुष, हैशटैग बैन आदिपुरुष, बाकी और कोई ट्विटर में मत चलो, बैन कराओ यार, उनको बोलो कि हमारे भगवान जी की इंसल्ट हो रही है, ये मूवी कहीं नहीं लगनी चाहिए, इट इज इंसल्टिंग आर गॉड। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।